हाँ बोलो जेठालाल। अरे पोपटलाल, वो आज रात को टप्पू सेना ने चिट्ठी खींचने वाला जो प्रोग्राम रखा है ना, उसके बारे में तुमसे जरा बात करनी है। बोलो बोलो भाई, मैं अभी अब्दुल से उसी टेंशन के बारे में बात कर रहा था। पोपटलाल, मैं तुम्हारा टेंशन दूर कर सकता हूँ। कैसे? देखो, रात को मैंने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टास्क निकला तो मैं तुम्हारा नाम बोल दूंगा। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। भाई सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, तुमको भी सामने ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ समझ गया जेठालाल, एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। अरे लेकिन भाई, तुम्हारा एक हाथ तो फ्रैक्चर वाला है ना। अच्छे वाले हाथ से लेने के बाद फ्रैक्चर वाले हाथ से देने का भूल तो नहीं जाओगे? नहीं 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 जेठालाल, मैं लेन देन का सारा काम हमेशा अपने चालू हाथ से ही करता हूँ। चालू हाथ? मेरा मतलब है जो हाथ चल रहा है, काम कर रहा है। अच्छा ऐसा, ओके ओके, चलो थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू, ओके ओके बाय। चलो हस, सबको बोल दिया। कोई रह तो नहीं गया? मैं तो सबको बोल दिया, भिड़े को बोल दिया, सोटी को बोल दिया, हाथी भाई को बोल दिया, पोपटलाल को बोल दिया। अय्यर भाई रह गए, उनको फोन करूं? वो एक वाइडी आइटम है, मानेंगे? फोन करके बात तो करता हूँ। जाडालाल का फोन? हाँ जाडालाल बोलो। हाँ यार भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैं मजे में हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम मजे में नहीं हो। हाँ क्या बताऊँ, वो टप्पू सेना ने जो रात का प्रोग्राम रखा है ना, उसका बहुत टेंशन है। हाँ तो ये बोला ना कि तुमको मुर्गा बनने का टेंशन तकलीफ दे रहा है। हसिया मत अय्यर भाई, आप भी मुर्गा बन सकते हैं, पूरी सोसाइटी आपके ऊपर भी ऐसे ही हंस सकती है। करके ओ जेठालाल, ये हे करना बंद करो और फोन क्यों किया है वो बताओ। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है यार भाई, हम लोग मुर्गा बनने से बच सकते हैं ये बताने के लिए मैंने फोन किया। मतलब कैसे? देखिए, मुझे पहले चिट्ठी खींचने का मौका मिला और मैंने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टास्क निकला तो मैं आपका नाम बोल के आपको बचा लूंगा। सच में? हाँ, लेकिन सामने आपको भी मुझे इसी तरह बचाना पड़ेगा, बोलो मंजूर है? मंजूर है जेठालाल, तुम मेरे को बचाना, मैं तुमको बचाऊंगा। थैंक यू यार भाई, आपने तुम्हारा टेंशन एकदम हल्का कर दिया। अरे जेठालाल, तुमने भी मेरा टेंशन दूर कर दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। अरे जेठालाल, आज मैं ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तुमको मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करते हुए देखेगी। यार भाई, बहुत हंसी आ रही थी ना आपको। अब देखना इस जेठालाल की वजह से एक साइनिस्ट कुकड़ेकू करके कैसे मुर्गा बनता है। ये टप्पू सेना ने आज चिट्ठी का सीक्रेट प्रोग्राम बनाकर जबरदस्त टेंशन में डाल दिया है। समझ में नहीं आता किसकी चिट्ठी कौन खोलेगा और किसकी चिट्ठी में क्या निकलेगा और कौन मुर्गा बनेगा। ए गणपति बापा, आप बस मेरी लाज रखना, मुझे सोसाइटी वालों के सामने मुर्गा मत बनने देना, प्लीज एक रिक्वेस्ट है। चलो एक मिनट। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? पायल में से। पायल की आवाज पायल में से आएगी ना, झुमके में से थोड़ी ना आएगी। सॉरी, आवाज यहाँ से आ रही है। मैंने पहनी है पायल, ये देखिए वो क्या है। मैंने सोचा कि आज सोसाइटी में प्रोग्राम है और मौका भी है तो क्यों ना सुंदर हीरा ने रक्षाबंधन में जो पायल दी थी वो पहन लूं। तो मैंने पहन ली। मस्त आवाज आ रही है ना,
छन 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 छन। मुझे तो अभी पायल के छन छन भी कुकड़े को सुनाई दे रही है। ए भाई क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ा है? अरे यहाँ क्यों खड़ा है? कुछ नहीं, आपकी राह देख रहे थे बापूजी। ओ हाँ, चलो चलो। पता नहीं क्यों आज कुछ तबियत ठीक नहीं लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है। क्यों भाई बेड़े, किसी को बुखार क्यों आता है? हाँ, पोपट की जब मुर्गा बनने की बारी है तो उसे बुखार आ सकता है। देख भाई इधर छुके देख जरा। अरे तो ठंडी ठंडे है तू, ये अंदर का बुखार है भाई। बेड़े अंदर, अंदर का बुखार। थैंक यू किस लिए? लाइटिंग देखो, लाइटिंग की वजह से मंडप कितना मस्त लग रहा है। क्या हुआ? क्या आपका चेहरा क्यों उतर गया है? कहाँ उतर गया है, अपनी जगह पे तो है। मतलब आप इतने टेंशन में क्यों है? मुर्गा बनने का टेंशन है। अरे उसमें टेंशन क्या लेने का, बन जाने का मुर्गा। अब बचपन में कभी मुर्गा नहीं बना। अरे बचपन में मेरा वजन 18 किलो था, अभी 80 किलो है। तो उसमें क्या, कोई कोई मुर्गे मोटे भी होते हैं। हाँ जेठालाल चलो भाई। हाँ, आए, आए। आ गए भाई, आ गए। हमारे गणपति बाबा का वाट है, इनके दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ लगी है। तो आरती शुरू करें? मुझे क्या पूछ रहे हैं भाई, करो। मतलब आरती शुरू करें। चलो गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सेठ जी, सेठ जी मेवर बागा लेट तो नहीं हुए ना? नहीं नहीं, अभी गणपति बापा पूछ रहे थे, नट्टू काकर भागा नहीं आया अभी तक। ओह हाउ स्वीट। सेठ जी आरती शुरू तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, पापा ने मना कर दिया था, जब तक तुम लोग नहीं आओगे बोले आरती नहीं होगी। अगेन अगेन हाउ स्वीट। अरे भाई भिड़े आरती शुरू करो, ये लोग नेता होने नहीं देंगे। ये क्या है, स्वीट? चलो कि आरती शुरू करते हैं। सुनिए, आप सब लोग तैयार हो जाइए एक अनोखे प्रोग्राम के लिए, जबरदस्त मनोरंजन से भरपूर रंगारंग कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा मुर्गा। मुर्गा मुर्गा, अरे बाप रे, जिधर देखो उधर मुर्गा 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 ही है। ओ देखो गोगी का फोटो। मैं तो सब चिट्ठियां तो बहुत सारी नजर आ रही है। जेठालाल चिट्ठियां नहीं है ये, हम सब के नाम का वारंट डाला है वर्तमान में टपू सेना ने। किसके हाथों से किसका वारंट निकलेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। सही बात है। और सच यार, जे टप्पू सेना ने चिट्ठियों मिठियों का पंगा खड़ा करके ना सबके लिए सस्पेंस थ्रिल और टेंशन खड़ी कर दी है। इतना टेंशन तो तब भी नहीं होता जब मैं लड़की देखने जाता हूँ। बाय द वे पोपटलाल, तुम आखिरी बार लड़की देखने कब गए थे? यार भाई क्या जले पे नमक छिड़क रहे हो? भैया बैठ भाई बैठ।
आप सभी गोकुलधाम वासियों का टप्पू सेना हार्दिक स्वागत करती है। सबसे पहले हम आप सभी को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी के डोनेशन की वजह से ही हम इतना अच्छा डेकोरेशन और इतना अच्छा आयोजन कर पाए हैं। और अब हम शुरू करते हैं टप्पू सेना आयोजित रंगारंग कार्यक्रम, जिसका नाम है कौन बनेगा मुर्गा। और मैं आप सभी को फिर एक बार याद दिला दूं कि जिसने भी चिट्ठी निकाली उसे वो कार्य परफॉर्म नहीं करना, लेकिन वो जिससे भी चाहे उससे वो कार्य परफॉर्म करवा सकते हैं। और प्रोग्राम के बाकी के रूल्स आपको गोली समझाएगा। नमस्ते गोकुलधाम वासियों, आप ये देख रहे हैं, इसमें चिट्ठियां रखी है और उस चिट्ठियों में कार्य लिखा है। इन चिट्ठियों में जो कार्य लिखा है वो आप सबको परफॉर्म करना है। कोई चीटिंग नहीं चलेगी, कोई अपना कार्य दूसरे को पास नहीं कर सकता, कोई बहाना नहीं चलेगा। जिसका नाम पुकारा जाएगा उसे यहाँ पर आना है, और चिट्ठी में जो लिखा है वो किसी और से परफॉर्म करवाना है, और जिसने भी वो कार्य पूरा नहीं किया उसे ऐसे मुर्गा बनना है। आप मुर्गा थोड़े बनने वाले हैं टप्पू बेटा, लेकिन हम लेडीज लोगों को क्या पनिशमेंट है वो तो बताओ। हाँ वो बताओ भाई। पनिशमेंट में हम लोगों ने लेडीज को स्पेशल छूट दी है। अगर लेडीज ने गलती की तो उनकी जगह उनके हस्बैंड को मुर्गा बनना पड़ेगा। बाबूजी कुछ बोल रहे हैं, शांत हो जाओ भाई। बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बाबूजी। अरे बाबूजी क्या तू कहाँ जा रहा है? मुझे भी खेलना ही पड़ेगा, सबको खेलना पड़ेगा। टप्पू सेना ने जो कहा है बस वही होगा। पर बाबूजी ये तो गलत है ना। वैसे तो बहुत सब लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं पुरुष और स्त्री एकदम समान होते हैं, तो इसमें समानता कहाँ ही समानता। अरे क्या बात है जेठा, पुरुष से गलती होगी तो भी मुर्गा बनेगा, स्त्री से गलती होगी तो भी पुरुष ही मुर्गा बनेगा। ये कहाँ का न्याय है बाबूजी? ये न्याय वाली वो समानता में तुझे घर पे समझाऊंगा। अभी बैठ जा, तुझे खेलना ही पड़ेगा। ए मिनी मास्टर बैठ, ए अयड़ी बैठ, चल मैं तुझ बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ जा भाई, सुन बराबर है, बराबर तेरे को तो बराबर ही है ना। नहीं बराबर है, बराबर है। ये अच्छा सोच, समानता वाली। तू घर पे, मैं तुझे मुर्गा बनाऊंगा, तूने मुर्गी। कार्यक्रम की शुरुआत दादाजी से करते हैं। दादाजी आप आइए, और सबसे पहले चिट्ठी आप निकालिए। आइए तो मैं बुलाना चाहूंगा सब लोग ऐसा मुंह करके क्यों बैठे हो? अरे गणपति बाबा का उत्सव है, उत्साह और उमंग से मनाना चाहिए है? और अगर मुर्गा बनना भी पड़े तो क्या, सब घर के ही लोग हैं, सब लोग खुशी से खेलो है। तो मैं बुलाना चाहूंगा हाँ।
गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेवे सेक्रेटरी हिंदी मास्टर को। मेरा पहला नंबर कैसे? मेरा ही नंबर पहले आ गया। बाप बाप। बताइए चाचा जी मुझे क्या करना है? बता रहा हूँ। तुम्हें गणपति बाबा का एक गाना गाना है। लो भाव तो तूने वैद्य की दू। देवे मतलब भावता तो और वैद्य ने कहा। वो क्या हमारा गुजराती में कहावत है, उसका मतलब ये है कि मान लो आपको कोई खाने की चीज पसंद है और आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको बोलेगा क्या आपको यही खाना है, तो ऐसा जो भावता था जो अच्छा लगता है वही डॉक्टर ने बोला वही इतने बोला खाने को ऐसा। दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी में कौन बनेगा मुर्गा का कंपटीशन शुरू हो चुका है। सभी के चेहरों पर इस वक्त टेंशन का कुकड़ू कू है। भाई टेंशन क्यों ना हो, टप्पू सेना की दूसरी शर्त ने सबके होश उड़ा दिए। पुरुष अगर गलती करेंगे तो मुर्गा बनना पड़ेगा और उनकी पत्नियां भी अगर कार में फेल हो गई तो मुर्गा बनना पड़ेगा। ये कैसी शर्त है भाई, इधर कुआं तो इधर खाई, जाए तो जाए का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि भिड़े के हाथ की चिट्ठी किसी को भी मुर्गा बना सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि भिड़े की चिट्ठी में नाम किसका है और कार्य क्या करना होगा। लेकिन हाँ एक विशेष बात और, आज पूरे देश में गणपति विसर्जन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। विघ्नहर्ता सुखकर्ता गणपति से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी सारी समस्याओं का भी विसर्जन हो जाए और हम सब अमन और चैन सुख और शांति के साथ रहें। लेकिन आप तो कल मिल रहे हैं ना ये जानने के लिए कि भिड़े के हाथ में जो चिट्ठी है उसमें किसका नाम है और क्या काम करना पड़ेगा उसे और कौन बनेगा मुर्गा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।